हमारे घर में तो सांपों का गढ़ बना देते हैं ये बारिश के सीजन में, 80-80, 100-100 सांप बैठे रहते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर तक सांप चढ़ते हैं। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर तनिष्क अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। फॉर बिगर एंड बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस विजिट तनिष्क नियर रिलायंस फ्रेश वैशाली नगर मेन रोड अजमेर। बिकॉज आपने अजमेर के दो एस्केप रूट्स बंद कर रखे हैं, ये थर्ड एस्केप रूट के ऊपर आप हरदम है ना साल दर साल खोलते रहते हैं और इसको आप बर्बाद करने पे लगे हुए शहर को कि आप इसमें एक व्यवस्था नहीं बना रहे हैं कि ये आज रोड टूटने की कगार पे आ चुका है, व्यवस्थाएं बिल्कुल हटा चुके हैं। चाहे आप कांग्रेस की सरकार देख लो चाहे बीजेपी की सरकार देख लो, हमारे घर में तो सांपों का गढ़ बना देते हैं ये बारिश के सीजन में, 80-80, 100-100 सांप बैठे रहते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर तक सांप चढ़ते हैं, आप सोचिए क्या हालत होती है। प्रशासन से इनसे भी बोला है, इन्होंने कहा रात में 2 बजे भी आपके घर में पानी आएगा हम देखेंगे, आश्वासन होता है साहब कुछ नहीं होता है, आप कट्टे लगवा लो अपने घर के आगे, कट्टे लगवाने के बाद क्या होता है सांप उस कट्टे के बीच में बैठा रहता है, आप रात बिरात आए आप ही को खाएगा, तब कौन आएगा, आप तो पानी में गिरे हुए होगे, कौन बचाने आएगा, मिलोगे ही नहीं। ये बिजली का पोल 31,000 वोल्ट की लाइन चल रही है, ये स्मार्ट सिटी में 31,000 वोल्ट की लाइन खुलने में चल रही है, अगर इसमें शॉर्ट हुआ कहाँ जाएंगे ये घर वाले, आपके पास सेकंड होगा उस समय किसी को फ़ोन दबाने के कुछ करने के लिए, आप तो उसी समय गए सियाराम जी मिल जाएंगे, राम जन्मभूमि पूजन हो जाएगा इनका, नहीं एक दो जन मर जाएंगे उसके बाद आएंगे। डॉक्टर प्रतीक राज नारायण मेहरा बोल रहा हूँ कि अजमेर के अंदर ये पानी की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मुझे तो ये आंसर दे दो, कोई भी जना क्या हो रही है, किस तरीके की समस्या आ रही है अभी आप ये बताओ, पिछले साल यहाँ पे ऐसे कट्टे लगाए गए थे, कट्टे बह गए रात की 2 बजे पानी भरा हमारे घर में, उसके बता दो क्या प्रॉब्लम हुई, फिर सब भाग गए, कोई फोन उठाने वाला नहीं था, घर में भी बच्चे हैं रहते हैं उधर, ये दुकानें हमारी 5-6 दिन अब हफ्ते भर ये बंद रहेगी, कौन है इसका, और ये कोई डूब क्षेत्र नहीं है, कोई ऊंचाई पे है, ये आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 100 साल पुराना तो ये मकान है हमारा, ये इधर देखो ये मकान है।